आंखों की समस्याओं से नवजात से लेकर वृद्धों तक और अमीरों से लेकर गरीबों तक में इन दिनों भारी समस्या या बीमारी उत्पन्न होते हुए देखी जा सकती है। हजारीबाग के नूतन नगर स्थित डॉक्टर रंजन कुमार नेत्र रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक में L&T कंपनी के द्वारा मुफ्त नेत्र जांच केंद्र कैंप लगाया गया। आज इस कैंप के माध्यम से लगभग 100 लोगों ने अपना नेत्र चेकअप करवाया। चेकअप के दौरान डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि सबसे ज्यादा मरीज आंखों के इन्फेक्शन और नसें सूखने के सामने आ रहे हैं। हाल के दिनों में बढ़ते मोबाइल के प्रयोग ने लोगों की आंखें कमजोर कर रखी है। जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की ताकि अंधापन से बचा जा सके। इस मौके पर L&T के अधिकारी रवि किशोर जी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रयोजन चल रहा है आज सर, यहाँ पे आई चेकअप चल रहा है। L&T वाले लोग हैं जो अपना फ्री कैंप बोले की सर चेक कर दिया जाए ताकि मेरे स्टाफ लोग को सारे पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स मिल? बहुत अच्छा। ऐसे जनरली हजारीबाग में जो आप देख रहे हैं जी आई चेक दौरान क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही? समस्या तो बहुत तरह का है सर। यहाँ पे मेनली माना जाता है कि कैटरेक्ट के चलते ब्लाइंडनेस हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लोग विजन कम की वजह से आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनका आंख का नस भी सूखा हुआ रहता है, जो उनको पहले से पता नहीं है कि मेरा चिकन सूखते जा रहे हैं। फिर बच्चे जो हैं, बच्चे अभी जो ज्यादा होमवर्क कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल ये सब पे चल रहा है उनका काम, इसकी वजह से उनको भी देख रहे हैं मायोपिया प्रोग्रेशन बढ़ते जा रहा है और मोटा माइनस में आते जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। क्या कुछ सलाह देना चाहिए? मैंने खाना पीना भी बच्चों का जो है आजकल तो हम लोग पिज्जा ये सब खिलाते रहते हैं बच्चों को, जो आंख और शरीर दोनों के लिए लॉस कर। हेल्दी खाना डाइट चाहिए घर का, हरा साग सब्जी हो, है ना। बीच बीच में कभी कभी ले तो कोई बात नहीं लोग, लेकिन रेगुलर लेने लगते हैं बाहर का खाना, इसकी वजह से गड़बड़ी होती जा रहा है। सर अपना परिचय दे। मैं डॉक्टर रंजन कुमार और मैंने MBBS किया था दरभंगा से DMCS से, उसके बाद चेन्नई ट्रेनिंग के लिए गया, फिर चित्रकूट में ट्रेनिंग किया, वहाँ पे सर्जरी वगैरह सारा मैं वहीं सीखा चित्रकूट में, फिर मेडिकल कॉलेज NMCH में प्रोफेसर था वहाँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे। L&T के द्वारा किस तरह का आयोजन आज किया जा रहा है? आज सर हम लोग L&T की तरफ से फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन कर रहे हैं डॉक्टर रंजन कुमार के सहयोग से। इसमें हमारे जो L&T के टीम है यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बिजनेस यूनिट, सब स्टेशन बिजनेस यूनिट, दो चारों के सारे स्टाफ वर्कमैन और उनके सपोर्टिंग स्टाफ जो भी हैं वर्कर्स हैं और इवन दो जो सिक्योरिटी गार्ड के जिन जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग सबको कवर करके हैं आई चेकअप का जो आयोजन कर रहे हैं। और अभी तक जो है इसमें हम लोगों ने जो उम्मीद रखे थे कि हम लोग 80 से 100 लोगों के आसपास आई चेकअप कराएंगे, तो उसमें हम लोग 70-80 के आसपास के काउंट पर पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये और बढ़ेगा। साथ में और जो L&T की तरफ से फ्री आई चेकअप कैंप था, इसमें जो भी लोग जो नियरेस्ट हैं जो जान रहे हैं कि फ्री है वो आ रहे हैं, हम लोग उनको भी जो समाज के लोग हैं उनको भी उनका आयोजन कर रहे हैं। थैंक यू।